नमस्कार दोस्तों, DLX9 में स्वागत है। सब्सक्राइब करें DLX9 और बेल आइकन को दबाएं नए बिजनेस आइडियाज का सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको 20 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से डिटर्जेंट पाउडर बनाने के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो भी घड़ी, व्हील तथा निरमा के क्वालिटी में। हालांकि इससे पहले भी मैं डिटर्जेंट पाउडर का वीडियोज बना चुका हूँ, परंतु कई सारे सब्सक्राइबर्स बार बार कर रहे हैं कि कोई सस्ता डिटर्जेंट पाउडर बनाने का फार्मूला बताए। तो दोस्तों, आज मैं आपको 20 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से डिटर्जेंट पाउडर बनाने का फार्मूला बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल DLX9 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, इस फार्मूले से डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए हमें निम्न वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। सोडा एस 30 किलोग्राम, एसी सलरी 10 किलोग्राम, डोलोमाइट पाउडर 40 किलोग्राम, साल्ट 20 किलोग्राम, सिलिकेट और कास्टिक सोडा 1 किलोग्राम। दोस्तों, डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले सिलिकेट या कास्टिक सोडे का घोल बनाना पड़ता है। इसके लिए प्लास्टिक या कांच के बर्तन में सिलिकेट पाउडर या कास्टिक सोडा डालें, फिर उसमें पानी डालें और इसे अच्छी तरह से किसी लकड़ी के डंडे या प्लास्टिक या स्टील के डंडे की सहायता से अच्छी तरह से मिलाएं। इसे अच्छी तरह से कुछ देर तक घुलाते रहें। ध्यान रखें, या ज्वलनशील होता है, कास्टिक सोडा बहुत ज्वलनशील होता है, इसके लिए गॉगल्स पहने और मास्क भी लगाए, क्योंकि खतरनाक गैस भी उत्सर्जित होता रहता है। फिर कास्टिक सोडा ले, सॉरी एसी सलरी ले, और इसमें अगर कास्टिक सोडा घोल बनाए हैं तो उसे ठंडा होने के लिए 5 से 6 घंटा छोड़ना पड़ता है। मैं सिलिकेट का घोल बनाया हूँ, इसलिए तुरंत आप इसे एसी सलरी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कास्टिक सोडा का घोल या सिलिकेट का घोल है, उसे काली एसी सल्ली के घोल में डालें और उसे अच्छी तरह से मिलाएं। आप इसके लिए सल्फोनेटर का भी यूज कर सकते हैं, मैनुअली बना रहे हैं तो हाथ से इसे मिलाएं, अच्छी तरह से मिलाएं। कुछ देर बाद आपके एसी सल्ली का रंग काला से दूधिया सफ़ेद होने लगेगा, यही एसी सल्ली के न्यूट्रलाइज होने की असली पहचान है। अगर आप कास्टिक सोडा से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर इसे ठंडा होने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा। और सिलिकेट से कर रहे हैं तो तुरंत ठंडा हो जाएगा, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, हल्का सा हीट होगा। तो फिर आपके पास जो भी सूखा मटेरियल है, जैसे साल्ट, डोलोमाइट पाउडर्स, सोडा एस, उन्हें फर्श पर फैलाएँ। अगर आप मिक्सचर से बना रहे हैं, बड़ी मात्रा में बना रहे हैं, तो आप इसे मिक्सचर में डाल के उसे अच्छी तरह से मिलाएँ। अगर मैनुअली तरीके से बना रहे हैं तो उसे फर्श पे फैला के हाथों से उसे अच्छी तरह से मिलाएं। ध्यान रखिए, मास्क जरूर पहने। उसे अच्छी तरह से कुछ देर तक मिलाते रहें। जब आपकी सभी सूखे रचक आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं, तो आपके पास जो न्यूट्रलाइज एसी सल्ली है वो इसके ऊपर डालें और इसे अच्छी तरह से मिलाएं। आप बिना न्यूट्रलाइज की हुई एसी सल्ली भी इस पर छिड़क सकते हैं, लेकिन आपका जो सोडा एस की मात्रा है उसे हल्का और बढ़ाना पड़ेगा, और ऊपर से एसी सल्ली छिड़क के डायरेक्ट आप बना सकते हैं। कॉस्टिंग और कम आ जाएगी और क्वालिटी में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान रखिए, इसे अच्छी तरह से मिलाना है। सूखे पाउडर में कास्टिक सोडा की जो न्यूट्रलाइज एसी सल्ली है उसे अच्छी तरह से मिलाएं। इसे अगर आप मिक्सचर में मिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि मैनुअली तरीके से बना रहे हैं तो भी अच्छी तरह से मिलाएं, मशीन से कोई ख़राब क्वालिटी नहीं आएगी, लेकिन ध्यान रखें अच्छी तरह से मिलाना है।
इसके लिए कम क्वांटिटी में बनाएं और कई खेप में तैयार करें। बस आपका डिटर्जेंट पाउडर लगभग तैयार हो चुका है। आप इसमें परफ्यूम मिला सकते हैं, कलर दाना मिला सकते हैं, अगर थोड़ी सी और क्वालिटी बढ़ानी है तो ज़्यादा एसी सल्ली का प्रयोग कर सकते हैं, अधिक झाग बनाने के लिए फोम बूस्टर का यूज कर सकते हैं, ऑक्सीकारक गुण लाने के लिए आप इसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं या कोई व्हाइटनर भी डाल सकते हैं। व्हाइटनर डालने के बाद से आपकी क्वालिटी और भी अच्छी हो जाएगी। बस आपका डिटर्जेंट पाउडर तैयार हो चुका है, अब आप इसे पैक करके बेच सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, घड़ी निर्मा की क्वालिटी में तैयार हुई है। दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर आप सारी मटेरियल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा उसकी पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपको पाउडर की क्वालिटी और बढ़ानी है तो हल्का सा वो नील भी डाल सकते हैं ऑप्टिकल व्हाइटनर की जगह पे। इसमें लगभग आप आधे किलो नील पाउडर डाल देते हैं तो क्वालिटी बेस्ट हो जाएगी, आपकी घड़ी के समकक्ष क्वालिटी हो जाएगी।